हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, यहाँ पे ना मैंने ये जो नोटिफिकेशन था मैंने बहुत पहले देख लिया था, मतलब 7-8 दिन पहले आ गया था। तो कल परसों भी काफ़ी बच्चों ने मुझे भेजा कि सर ये क्या है बता दीजिए। कई लोगों को पता नहीं होता है, तो जब मैं भी था तो मुझे नहीं पता था कि सर ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो मैं भी काफ़ी पूछता रहता था। हालांकि उस टाइम भी लोगों को पता नहीं होता था क्योंकि यूट्यूब यूट्यूब इतना चलता नहीं था। तो अभी तो अच्छा है कि आप पूछ लेते हो, किसी से भी पूछ लेते हो, आप मेरे से पूछो, किसी और से भी पूछो, तो उतनी जानकारी लोगों पर रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना यार एक चीज़ आई थी कि आईबी की वैकेंसी है इतनी इतनी, और यहाँ पे ये होगा सर्कुलर मेमोरेंडम आया था कि भाई ये इतना है। ACIU का एग्जीक्यूटिव लेवल 8 था। देखो यहाँ पर ये होता है आपका, ये आपकी किस में आती है आप बोल सकते हो। इसके ऊपर जो आता है ग्रुप ए में आता है, ये ग्रुप बी में आ गया, ग्रुप सी और ग्रुप बी में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ना ग्रुप ए आता है, इसके बाद वो ज़्यादातर आपके IPS ही मिलेंगे, या फिर डायरेक्ट भर्ती भी होती है, UPSC के द्वारा होती है, वो डायरेक्टली यहाँ से तो नहीं आते। अब ये प्रमोशन होकर जाएंगे अलग भाई बात है, असिस्टेंट डायरेक्टर में, ओके वो अलग चीज़ है, इंटेलिजेंस ऑफिसर में जाएंगे अलग है। जैसे यहाँ पे आप डायरेक्टली इसमें भर्ती होते हो IBACIO से, ये होता है ग्रेड 2, उसके बाद ग्रेड 1 बनता है, लेवल 8 हो जाता है, उसके बाद फिर लेवल 10 आता है डायरेक्टली। डायरेक्टली लेवल 10 आता है, वो आता है UPSC से, जॉइंट डायरेक्टर बोल लो, असिस्टेंट डायरेक्टर बोल लो, वो आपके हिसाब से IPS भी हो सकते हैं वो, या फिर डेपुटेशन बेसिस पे आता है। अब देखो यहाँ पे JIO लेवल 2, इस पर भर्ती हुई थी, इस पर प्रमोशन होगा, फिर 6th लेवल नहीं होता, डायरेक्ट 7th लेवल पे आती है भर्ती, मतलब भर्ती प्रमोशन तो 6th लेवल पे होगा ही होगा। फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा ACIO लेवल 2, लेवल 1, इसका डायरेक्टली ऑफिसर्स होते हैं। ये देखो यहाँ पे ये ग्रेड टू हो गया, JIO MT, मैकेनिकल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है, मोटर ट्रेड बोल सकते हैं, हलवाई हो गया लेवल 3 पे, केयरटेकर का लेवल 5 हो गया, PA लेवल 7 हो गया, PA का भी काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर लेवल 2 है इसका। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये है JIO टेक का लेवल काफ़ी अच्छा है इसमें ग्रेड 2 का। आपने जब अपना वाला किया था तो उसमें तो इतना लेवल 4-5 था उसमें, है ना, यहाँ पे काफ़ी अच्छा दे रखा है इन लोगों ने। ये देखो एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है ये नॉर्मल होता है, एग्जीक्यूटिव लेवल जो होता है टेक वाले में टेक की वो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये वैकेंसी दे रखी है इन लोगों ने, ये वैकेंसी है, तो यहाँ पे 660 वैकेंसी। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्म भर लूँ मैं, तो नहीं है, क्योंकि ये है डेपुटेशन बेसिस पे, डेपुटेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है, समझो इन जो चीज़ों को। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपका काम बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर दिया, तो यहाँ पे आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे वो, ओके। डेपुटेशन का मतलब क्या है, मान लीजिए आप ना देखिए यहाँ पे नॉन गेजेटेड रैंक है, यहाँ पर नॉन गेजेटेड रैंक ग्रुप बी और सी मैंने आपको बताया था पहले से, ठीक है, ये बी, ये 7 और 8 आई थिंक बी में आते हैं, इसके बाद ये सारे सी में आते हैं, ओके। अब यहाँ पर आप देखो कि भाई ये आपकी वैकेंसी है, ये है आपका डेप्यूटेशन बेसिस पर है 5 साल के लिए, ठीक है, और यहाँ पे आपका पोस्ट आप कोई भी अप्लाई करते हो उसमें आपकी 5 साल की या 3 साल की डेप्यूटेशन का मतलब क्या होता है, आप, मैं पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं जाना चाहता हूँ IB में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मुझे अच्छा लगता है कि भाई मैं जाऊँ देश की खुफिया एजेंसी में काम करूँ, वो सब चीज़ें होती है, तो मैं जाकर ये फॉर्म भरूंगा, मैं ऑलरेडी सरकारी नौकरी में हूँ। डेपुटेशन का मतलब होता है कि मैं अपनी पेरेंट कैडर छोड़कर दूसरे कैडर में जा रहा हूँ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, मैं स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे मैं मान लो, ठीक है, जैसे कि अब मेरे को जरूरत नहीं है, खैर मैं आपको एक हाइपोथेटिकली सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं अगर मान लो SI होता उत्तराखंड पुलिस में, ओके, उत्तराखंड पुलिस में मैं अगर SI होता, IPS होता तो नहीं भर सकता ये फॉर्म, SI होता, SI का लेवल यहाँ पे लेवल 6 है, ये लेवल हमारे यहाँ पे 7 है, सॉरी लेवल 7 है सैलरी का। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में सारा का सारा सैलरी के हिसाब चलता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पे लेवल, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये मैं स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, पुलिस SI हूँ और मैं यहाँ पर हूँ 7 लेवल पे, तो मैं को 5 साल हो गए हैं काम करते करते और मैं करना चाहता हूँ IB में काम, तो पहले मैं क्लियरेंस सर्टिफिकेट लूंगा भाई अपने CO से, CO का मतलब होता है कमांडिंग ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, या फिर SP से, या फिर SSP से, जिससे भी वहाँ पर नियम दिया होगा कि आपको अपने जिले के SSP से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा कि भाई मैं जाना चाहता हूँ IB में, फिर आप जाकर ये फॉर्म भरेंगे, लेवल 8 का भरेंगे। आप लेवल 7 में हो तो लेवल 8 का भरेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप लेवल 4 में हो और आप डायरेक्टली ये भर रहे हो, नहीं, एक पद ऊपर वाला ही, एक पद नीचे वाला ही भर सकता है, तो ये 7 वाला लेवल 6 वाला भर पाएगा जिसकी सैलरी अभी लेवल 6 पे है। समझ में आ गया अब इस चीज़ को, ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं ये कुछ भी लेवल भर दूं, मैं स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 1 में हूँ और मैं यहाँ पे लेवल 3 लेवल 4 भर दूँ, उसके हिसाब से भी होता है ये चीज़, आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो आपको वहां पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा 7 सालों के लिए, 3 साल, 5 साल, उसके बाद 7 साल आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा, आपको जितनी भी तनख्वाह वनख्वाह मिलेगी सारे की सारी IB के हिसाब से मिलेंगी। मान लो स्टेट गवर्नमेंट में मेरी जो तनख्वाह थी लेवल 7 में वो कितनी थी, लेवल 7 की सैलरी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट सैलरी, ठीक है, 4600,
4,500 तो मेरी हो गई बेसिक। बेसिक के बाद मेरा लग गया यहाँ पे HR। यहाँ पे तो XYZ सिटी होती नहीं है, तो HR यहाँ पे फिक्स है 4,000 का पुलिस ऑफिसर्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे ड्रेस अलाउंस 2,000 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका व्हीकल अलाउंस 1,000 का हो गया। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या देता है। हमारे यहाँ पे IIT ज़्यादा है तो IIT अलाउंस भी मिलता है, यहाँ पे और चीज़ें भी मिलती है। तो कम से कम आपका 60 से 70,000 आपको इन हैंड, तो पता नहीं, लेकिन हाँ 66 इन हैंड आपको मिल जाएगा। बाकी आपका NPS भी कटेगा 10-11 हज़ार रुपये। ओके, तो ये आपका 60,000 यहाँ पे आपको मिल गया, ये आपका स्टेट का सैलरी। जैसे आप यहाँ पे जाओगे लेवल 8 में, तो आप मान के चलो 90-95 आपको आराम से मिलेंगे। क्यों क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर ना एक अच्छी चीज़ होती है IB में, 20% सिक्योरिटी अलाउंस अलग मिलता है। HRA यहाँ पे ज़्यादा होता है, TA भी होता है यहाँ पे, DA भी होता है। TA का मतलब ट्रांसपोर्ट, TPT अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। DA का मतलब DNS अलाउंस। और यहाँ पर जो है 20% आपकी बेसिक पे का, इसका समझो 4,000 रुपये तो आपका यही हो गया, 4,000 की 8,000 रुपये, सॉरी। तो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस से बोलते हैं SSA। ये NIA को भी मिलता है आई थिंक, और दो तीन डिपार्टमेंट है, रॉ को भी मिलता है, और ये IB को भी मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। और 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी जब आपके 12 महीने आपने कंप्लीट कर लिए। अप्रैल के बाद होता है आई थिंक वो, अप्रैल के बाद उसका वो हम बोलते हैं फिक्सेशन, वो आता है आपका। मैं तो फिक्सेशन के नाम से, मेरे टाइम पे वही था तो मुझे इतना ही पता है। तो ये बेसिक प्लस DA आपका क्या है, बेसिक सैलरी, ये जो मैंने आपको बताई, जो वहाँ पे IB में लेवल 8 पे कितनी होनी चाहिए बेसिक सैलरी। लेवल 7 का 4,600, लेवल 8 का 7,200, तो 7,200 तो लेवल 10 का होता है, 5,600, सॉरी हाँ 5,200 या 5,600, 5,200, 52,000 आप मान के चलो कि भाई आपका ये बेसिक होगा, प्लस DA इस पे लगा लो। DA कितना चल रहा है, 50% चल रहा है शायद, तो आप 75,000 तो आपके यही हो गए। आपको कैश मिल जाएगा आपका जब 12 महीने के आप जॉब कर लोगे। तो ये है सिर्फ किसके लिए, हाँ यूनिफॉर्म अलाउंस एक बार मिलता है साल में, यहाँ पे पर एनम बोल रखा था इन्होंने, 10,000 रुपये मिलेगा आपको। होम टाउन आपका ये होगा, LTC पैकेज, ये आपको वही मिल जाएगा जिस हिसाब से आपका होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बहुत अच्छा है, पर एनम 27,000 है भाई। ओके, हॉस्टल सब्सिडी आपको 81,000 पर एनम, आपके बच्चे अगर पढ़ते हैं तो। एडिशनल अलाउंस मिलता है, राशन मनी, हाँ राशन मनी बहुत अच्छी मिलती है। रिस्क अलाउंस अलग होता है, आइलैंड अलाउंस, अगर आप कहाँ पर हो, आइलैंड में हो, लक्षद्वीप में हो, अंडमान में, तो आपको मिलेगा। स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे आप स्पेशल ड्यूटी में विदेश में जाना पड़ता है कई बार, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे अलाउंस मिलता है। तो ये सिर्फ समझो आप कि ये वही भर सकते हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में हो। तो आपका कोई माता पिता या जाना चाहते हैं IB में, और अगर वो लेवल में है, इस जॉब में है, तो वो इससे ऊपर की जॉब भर सकते हैं, नीचे वाली जॉब नहीं भर सकते। आप लेवल 8 में हो तो आप लेवल 7 की जॉब नहीं भर सकते, और लेवल 8 की भी नहीं भर पाओगे, इक्विवेलेंट भी नहीं भर पाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताता हूँ, पूरी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे समझना ही बेकार है अब आप लोगों के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे यह है आपका लेवल ग्रेड 1 का, ठीक है, ग्रेड 1 का एग्जीक्यूटिव का SC वैकेंसी इसमें है। ये आपका ग्रुप 2 है, 47,600 इन्होंने बढ़ा दिया है, 7 CPC आपका सैलरी लेवल 8 है। डेपुटेशन एब्जॉर्प्शन यानी कि मिनिमम 3 साल, या फिर मैक्सिमम आपका 7 साल तक ये होल्ड कर लेंगे आपको। ये देखो यहाँ पे स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, या फिर सेंट्रल पुलिस से होना चाहिए, यानी कि BSF, CRPF, CISF, BSF, CRPF, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSF, CRPF, CISF, SSB, सशस्त्र सीमा बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, और यहाँ पे असम राइफल, असम राइफल। ठीक है, ये 6 है, इन 6 के अगर आप NSG, NSG तो फर्क पड़ेगा नहीं, NSG तो खुद कौन छोड़ेगा NSG। ठीक है, होल्डिंग ये देखो आप पोस्ट रेगुलर बेसिस ऑन द पेरेंट कैडर, पेरेंट कैडर क्या होता है, आप जहाँ पे आप काम करते हो। ठीक है, 2 ईयर सर्विस ग्रेड में, जिस ग्रेड में आप हो उसमें आपके 2 ईयर सर्विस होनी चाहिए। लेवल 7 देखो यहाँ पे लिखा हुआ, लेवल 7 पे आपका 2 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपका एज, यहाँ पे डिपार्टमेंट से फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखा होगा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को जो भी है। ठीक है, अब मैंने तो कभी, हम तो डायरेक्ट वाले हैं तो हमें तो पता नहीं है सब चीज़ों का। ठीक है, एज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, शायद इसमें 56 साल तक एज होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि एज उसका क्राइटेरिया है। तो आप कंप्लीटली आप ये समझ लो कि सारे के सारे भर्ती किसके लिए हैं, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है उससे कम लेवल पे, और वो IB में काम करना चाहते हैं और वो जाना चाहते हैं IB में, तो वो लोग ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी पेपर पेपर इंटरव्यू होता है आई थिंक, इसका प्रोसेस मुझे ज़्यादा नहीं पता है, हमें डायरेक्ट वाले का पता है, क्योंकि इसमें आई थिंक इंटरव्यू होता है या पेपर होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत लोग भरते हैं। IB में सबको जाना चाहते हैं क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी होती है, IB में अलाउंसेस बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हर कोई जाना चाहता है IB में। तो क्वार्टर भी बहुत अच्छे होते हैं, और अलाउंसेस मतलब आप ये मान के चलो अगर 70,000-80,000 सैलरी है तो कम से कम 1.5 लाख सैलरी आ जाती है, क्योंकि अलाउंसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्टेट गवर्नमेंट में उतने अलाउंस होते ही नहीं, सेम पोस्ट है अगर मान लो लेवल 8 की स्टेट गवर्नमेंट में और IB में 8 है, तो कम से कम मेरी सैलरी में 50,000 का फर्क आएगा। अगर मान लो ये मान लो बारामूला में पोस्टेड है,
ठीक है, अनंतनाग में पोस्टेड है या फिर सीआई एरिया में पोस्टेड है तो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड है, तो भाई इसकी सैलरी इतने का फर्क पड़ता है कम से कम, क्योंकि डीए डीए आपका उसमें भी अलाउंस में भी लगेगा, डीए है टीए है उस टाइम पे तो एचआरए मिलेगा नहीं क्योंकि वहां पे तो फैमिली रख नहीं सकते हैं। तो ये वाला आपका जो है ना, ये मतलब इतना फर्क आता है स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट सब नहीं मिलता, टीए टीए डीए बहुत कम है और उसके हिसाब से अलाउंसेस भी बहुत कम है। वहाँ पे वर्दी अलाउंस जैसे यूनिफॉर्म अलाउंस 10,000 था, यहाँ पे 4,000 5,000 है, वो भी 1 साल 2 साल में मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है वो सब चीज़ें हैं। राशन मनी भी बहुत कम है, ऐसा है कि 200 300 है स्टेट में, और वहाँ पे ऐसा है, आप देख रहे हो राशन मनी काफ़ी अच्छी मिल जाती है परसेंट के हिसाब से। अब वो सब चीज़ें आपके लिए अलग हैं ठीक है, लेकिन पहले हो जाओ तब आपको समझ में आएगा। तो ये सारी डेपुटेशन बेसिस पे ये सब चीज़ें वही हैं जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं बता दूंगा आपका आंसर। ओके, मिलते हमारे अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय एंड जय हिंद। और एक और अनाउंसमेंट है, IBACIO का Tier 2 अगर आप लोगों के पास है, आप कोर्स लेना चाहते हो तो उसका लिंक भी नीचे है, उसका पेपर भी जल्दी होने वाला है, IBSAMT का भी Tier 2 होने वाला है, तो उन दोनों के लिए ही मैं क्लासेस लेता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली, अगर मैं मतलब बिजी नहीं हुआ तो मैं जल्दी रिप्लाई कर देता हूँ, अदरवाइज तो थोड़ा टाइम लगता है। मेरी आईडी ये है, मेरी पर्सनल आईडी है, मतलब डायरेक्टली आप मुझे करोगे, विक्रम सॉरी विक्रम सर जी के, नो स्पेस, कोई बीच में स्पेस नहीं है, अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं होगा वहाँ पे। तो ये टेलीग्राम की मेरी आईडी है, पर्सनल आईडी है। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो तब के लिए, गुड बाय एंड जय हिंद।